हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक और मेथड करेंगे प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का। ये भी जो है वो कमर्शियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ही है, ठीक है। इससे लास्ट जो हम लोगों ने क्लोर एल्कली प्रोसेस देखा था, वो भी जो है वो कमर्शियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन था, ठीक है। तो ये जो है मेथड जो है, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जब स्टीम को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर डालते हैं, स्टीम को हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर डालते हैं या कोक के ऊपर डालते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को ये नहीं पता हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, ये वर्ड है हाइड्रो, हाइड्रो से मतलब है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये है कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस मेथड में, कमर्शियल मेथड के अंदर ये देखें कि कौन सी रिएक्शन हो रही है और कैसे जो है हमारे पास क्या ऑप्टेन हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो ऑप्टेन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो, रिएक्शन सबसे पहले यहां पे क्या है, मैंने एक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल ले लिया, मीथेन। आप लोग कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो CH4 प्लस H2O, ये दोनों गैस की फॉर्म में है। CH4 तो होता ही गैस की फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर जो है, क्योंकि जिसको बोलते हैं 1270 केल्विन पे, यार खुद सोच लो, स्टीम होगा या लिक्विड होगा, या ऑब्वियसली स्टीम होगा, ठीक है। तो गैस की फॉर्म में है, हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है वाटर को, ठीक है। तो 1270 केल्विन मतलब 1270 केल्विन पे निकल और क्रोमियम कैटलिस्ट के साथ जो है हम लोगों को क्या यील्ड हो रहा है, यहाँ पे क्या जो है इस प्रोडक्ट बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने क्या देखा कि स्ट्रीम को जब हम लोग हाइड्रोकार्बन के ऊपर या कोक के ऊपर जो है वो डालते हैं, तो वो जो है बहुत हाई टेम्परेचर पे हमारे पास जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है और जो है हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ना बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देख लो, वाटर गैस, ठीक है। तो वाटर गैस से मतलब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों के मिक्सचर को कलैबोरेटिवली हम लोगों ने जो है वो क्या वर्ड दिया है, वाटर गैस वर्ड दिया। तो CO और H2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हाइड्रोजन का मिक्सचर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस जो है यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर गैस यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये देखो, ये गैस जो है हम लोगों के पास ऑब्टेन हो रही है कैसे, जब हमने स्टीम को कोक के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो ये गैस वाटर के अंदर से निकल रही है, इसलिए शायद इस रिएक्शन को इन लोगों ने जो है, या केमिस्ट्स ने जो है इस रिएक्शन को वाटर गैस जो है नाम दिया हुआ, ठीक है। तो आगे देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है नोटिस करने वाला। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग कमर्शियल मेथड कर रहे हैं तो हर चीज़ का कोई ना कोई फायदा नुकसान जो है हम लोगों को एक बनिया प्रोस्पेक्टिव से देखना पड़ेगा, कि अगर यहाँ पे हमारे पास जो है CO और H2 ऑब्टेन हो रही है, तो हाँ हम लोग क्योंकि कमर्शियल मेथड कर रहे हैं और हाइड्रोजन यूज़ कर लेंगे, तो बाकी जो है क्या कुछ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो, यहाँ पे जो मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, वो जो है मिथेनॉल के सिंथेसिस में और बहुत सारे ऐसे दूसरे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसके सिंथेसिस में है, जो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर गैस हम लोगों ने इस वाली रिएक्शन से ऑब्टेन की, और वो वाटर गैस अगर हम लोग एक देखें तो उससे हम लोग मिथेनॉल भी जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। मिथेनॉल देखिए कैसे बन रहा है, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट है। प्लीज ये चीजें छोटी छोटी नोटिस करने वाली होती है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम जो है वो ऑक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है 300 डिग्री सेल्सियस पे क्वाइट हाई टेम्परेचर है, और बहुत ज्यादा प्रेशर पे 200 ATM पे जो है हमारे पास क्या यील्ड कर रहा है, CH3OH। तो ये आप लोगों ने क्लास 10th से पढ़ा होगा, मिथ बोले तो एक कार्बन और ओल का मतलब जो है यहाँ पे OH ग्रुप को जो है हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक और नामकरण जो है इन लोगों ने किया हुआ है यहाँ पे वाटर गैस का, वो क्या नामकरण है, कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे पास और जो हाइड्रोजन है, इससे हम लोगों ने मिथेनॉल और बाकी हाइड्रोकार्बन्स को सिंथेसाइज किया, तो इसलिए इसका नाम जो है हम लोगों ने एक और रख दिया यहाँ पे, क्या, सिन गैस। सिन से मतलब सिंथेसिस, ठीक है। तो इसको सिंथेसिस गैस भी बोल देते हैं हम लोग, इसको सिन गैस भी बोल देते हैं, इसको वाटर गैस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है वो बच्चा है जिसके दो चार नाम जो है वो घर वालों ने रख दिए हुए हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देख के, कि तू यार बहुत नॉटी है, तू ये है, तू वो है, तो वही है क्योंकि सिंथेसिस गैस है। तो क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स का यहाँ पे सिंथेसिस कर रहे हैं, तो उसको सिन गैस भी बोल दिया, उसको वाटर गैस भी बोल दिया, और भगवान जाने क्या क्या नाम रखे होंगे इन्होंने, ठीक है। तो आगे देखो,
एक और पॉइंट जो है इसके अंदर नोटिस करने वाला है, सिन गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो सिन गैस को अगर मुझे प्रोड्यूस करना हो, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में एज इट इज नहीं गिवन है, बस आप ये इतना याद रखो कि सीवेज से, सॉडस्ट से, न्यूज़पेपर से और वुड से हम लोग कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन को जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो हम लोग करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम लोग कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम भी है एक, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉश प्रोसेस। ठीक है, ध्यान से देखो क्या स्पेलिंग है इसके और लिखा हुआ है यहां पे। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग सिन गैस है उसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग कोल से। ठीक है, सिन गैस का प्रोडक्शन हम लोग कैसे कर रहे हैं, किससे, कोल से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कोल एक कार्बन की फॉर्म है। ठीक है, तो रिएक्शन देखो क्या हो रही है इसके अंदर, जो कि सॉलिड है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने वाटर जो है वो डाला है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, 1270 केल्विन पे, और यहां पे भी आप नोटिस कर रहे हैं जो टेम्परेचर था वो लगभग इतना ही था। ठीक है, यहां पे भी हम लोगों ने यही बोला है कि जो टेम्परेचर है वो इतना है। वैसे भी ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करो ना, तो इन लोगों ने बस घुमाया हुआ है वो क्या कि स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक, तो ये कोक जो है यहां पे कुछ फॉर्म ऑफ प्योर कोल जो है हम लोग बोल सकते हैं इसको, तो सेम ही रिएक्शन है। ठीक है, 1270 केल्विन पे हो रही है, सेम कैटलिस्ट वगैरह जो है यहाँ पे हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड और जो है हाइड्रोजन गैस को यील्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को जिसमें हम लोग प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस कर रहे हैं, कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस प्रोसेस को या रिएक्शन को हम लोग को गैसिफिकेशन बोलते हैं, और इसको हम लोग बॉश प्रोसेस भी जो है वो बोलते हैं। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन और बॉश जो है प्रोसेस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है नोटिस करने वाला, मैं इसको पहले रीड करूंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल मेथड, तो कुछ ना कुछ जो है हम लोगों को अपने प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में देखना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, जो डाइहाइड्रोजन का यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन है, कैन बी इंक्रीज्ड, वही चाहिए, कमर्शियल मेथड है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो प्रोडक्शन है डाइहाइड्रोजन का, कैन बी इंक्रीज्ड, मतलब हम उसको बढ़ा सकते हैं बाय रिएक्टिंग, रिएक्ट करवा के किसको, कार्बन मोनोक्साइड को, जो कि हम लोग सिन गैस से ऑब्टेन कर रहे हैं, विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड क्रोमेट। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मुझे हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाना हो, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, कार्बन मोनोक्साइड को जो कि हम लोग सिन गैस से ऑब्टेन कर रहे हैं, यहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको फर्दर आगे स्टीम से रिएक्ट करवाने के बाद आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम लोग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि देखो, कमर्शियल मेथड्स में यूजुअली हमारा ये मोटिव रहता है कि जो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, वो मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो वही चीज जो है हम लोग यहाँ पे फोकस करके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है कार्बन मोनोक्साइड सिन गैस से जो ऑब्टेन हो रहा है उसको स्टीम के साथ आगे रिएक्ट करवा के हम लोग किस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये, अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, जिसमें सिन गैस स्टीम से रिएक्ट करके हमारे पास हाइड्रोजन दे रही है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉटर शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे देखो, वॉटर था, कार्बन मोनोक्साइड से रिएक्ट करके शिफ्ट किस साइड पे हो गया, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो गया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वाटर शिफ्ट रिएक्शन जो है ये बोल देते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल मेथड है। दूसरी चीज नोटिस करने वाली ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसको रिमूव कैसे करेंगे, जो लोग नीट एस्पिरेंट्स है, क्योंकि ये बहुत ही जिसको बोलते हैं पॉइंट नोटिस करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्या, कार्बन मोनोक्साइड जो यहां पे प्रोड्यूस हो रही है उसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, ये देख लो, सोडियम आर्सेनटाइट का सॉल्यूशन के साथ इसको स्क्रब करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स, छोटी छोटी लाइंस जो हैं आप लोगों को याद रखनी है कि सोडियम आर्सेनटाइट जो है, जो ये कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें हम लोग सिन गैस को वाटर से रिएक्ट करा के हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सोडियम आर्सेनटाइट सॉल्यूशन से जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये सारा कमर्शियल मेथड्स जो है प्रिपरेशन के, हाइड्रोजन के, ये समझ आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगले टॉपिक्स में मैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, आई होप आपको ये सारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे लेक्चर्स हैं आप लोग इंजॉय कर रहे हो। जो भी नीट और आईआईटी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों से मैं एक बात फिर से बोल दूं,
प्लीज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करो, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग मेंस की बात करें तो 30 मार्क्स में से कुछ अप्रॉक्सीमेटली 9-10 क्वेश्चंस जो हैं इन टॉपिक्स पे आते हैं। ये यूजुअली इग्नोर टॉपिक होता है, लोग अच्छे से करते नहीं है बहुत ईजी। ठीक है, अगर आप लोग अभी से प्लस वन वाले बच्चे अभी से रूटीन बना लेंगे तो मुझे लगता है 1-1.5 साल के अंदर उन लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो टिप्स पे होने वाली हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी मेरी गाइडेंस है, जो भी मेरे लेक्चर्स हैं प्लीज़ उनको नोट डाउन कर लो कॉपी के ऊपर, बार बार सुनो, नोट डाउन कर लो, जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ उनको लिख लो अच्छे से। मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाहर ना तो कोई नीट में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ना IIT JEE मेंस में, ना IIT JEE एडवांस में जो इसके अलावा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, अगर NCERT में वो नहीं दे रखी मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी मेरे को लगता है बहुत टाइम है 11th वाले बच्चों के साथ जो है, अगर अभी से हम लोग प्रिपेयर करने लग जाएंगे तो मुझे लगता है हमें केमिस्ट्री के अंदर 100% लेने से जो है वो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, होप आपको जो है मेरे साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना जो है वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे फीडबैक्स जो है वो आपके पॉजिटिवली मिल रहे हैं। ठीक है, जो मेरे अंदर एक मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं कि मैं जो है ये वीडियो लेक्चर शूट करता रहूँगा। इस टाइम पे भी अगर मैं बात करूँ तो इट्स 1 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, एंड आई एम शूटिंग लाइक इट्स 12 PM। ठीक है, तो जो है वो हम लोग इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करते रहेंगे। मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ कि हमारा जो कंटेंट है वो बेस्ट से बेस्ट निकल के आए और मैं अपना 100% आपको जो है वो दूँ। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरे वीडियोस जो है वो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं गगनदीप वधावन आपका अपना दोस्त, मुझे दोस्त समझें, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके कमेंट्स हैं या कुछ और फ्यूचर वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, तो प्लीज़ मेरे को जो है वो ज़रूर मैसेज करके बताएँ। ठीक है, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दब के लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया।